जगह है गुप्त महादेव, यहीं से अंदर जाना है। बहुत ही नैरो है, यहाँ खंभे बनाए हैं लोहे के। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देखिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी भी बन रही है। यहाँ पे 500 फीट खाई है, ये देखिए कितनी गहरी है। और ये भी एक साइड से एक प्लेस है। ये किसके लिए रखा है? हाथ पे लेके घूमते रहो, मंकी वगैरह काटने का चांस कम होगा। अच्छा, मंकी आपको काटने का चांस कम रहता है, इसको खाली हाथ में लेके घूमने के लिए रखा है। देखिए यहाँ भी बेर मिल रहे हैं, चने मीठा बहुत मिल जाएगा, चना मसाला, चना मिसाला, मटर मसाला भी मिल जाएगा। कुछ भी आपको खाना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। पहुँच गए हैं महादेव नाम का एक पॉइंट है, शायद यहाँ मंदिर भी होगा। वहाँ ऊपर 25 रुपए की टिकट लगती है और आपको अपनी गाड़ी जो भी है, जिप्सी या जो भी गाड़ी है, वो नीचे तक ले जा सकते है। ये वाले पॉइंट पे तो हम पहुँच गए, लेकिन इसके पहले जो पार्किंग हमने किया यहाँ पे, सबसे पहले हम गुप्त महादेव के दर्शन की करेंगे। आगे जाएंगे हम। देखिए पंचमढ़ी की हर एक जगह है बेहद खूबसूरत है। हम जहाँ पे गुप्त महादेव जा रहे हैं, वो जाने का रास्ता के आजू बाजू भी बिल्कुल घना जंगल है। देखिए नीचे एक छोटा सा स्ट्रीम चल रहा है और ये सारे पेड़। ये देखिए भैया, बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति। जगह है गुप्त महादेव, यहीं से अंदर जाना है। एक साथ 8 आदमी जा सकते हैं इसके अंदर। ये अंदर जा रहे हैं गुफा के अंदर। देखिए बहुत ही नैरो है। नहीं 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 नहीं। तो देखिए हम वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, अब हम बाहर जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, मेक श्योर कि यू कैन पास दिस। देखा हमने वो गुप्त महादेव देखा, अब बड़ा महादेव मंदिर पे जाएंगे और दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। पहुंच गए हैं बड़ा महादेव मंदिर का जो गेट है वहां पे। दौड़ के आए, सांस फूल गई। देखो यहाँ पे लिखा है, गुफा के अंदर फोटो खींचना मना है, तो शायद अंदर कैमरा नहीं ले पाएंगे। अभी आपको बाहर से ही गुफा का द्वार है दिखा देती हूँ। देखिए ये है गुफा, बड़ा महादेव गुफा। इसके अंदर महादेव विराजमान है, हम इसके दर्शन करने जा रहे हैं। नीचे देखिए पानी है और यहाँ खंभे बनाए हैं लोहे के, शायद सपोर्ट देने के लिए। जय महादेव, हर हर भोले। हर जगह से पानी टपक रहा है, हर जगह से फील बोल रहा है, फील इज अमेजिंग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मृत्युंजय महादेव त्रैनाम शरणागतम जनम मृत्यु चरावते बड़े तम कर्म बंधन। तो फ्रेंड्स अब हम राजेंद्र गिरी
नामक एक प्लेस है जो साइड सीन में आता है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक गार्डन है, उसके बाद सनसेट पॉइंट है। वहाँ जाने से पहले हम चाय पियेंगे बैठ के। देखिए यहाँ चाय ढाबा भी है, पार्किंग भी उपलब्ध है, काफ़ी खा सकते हैं चाय कॉफ़ी कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी भी बन रही है। नमस्ते, मक्के की रोटी बन रही है क्या? अरे वाह, कुमार कुमार ने पहले से ही मक्के की रोटी और चटनी ये सब ऑर्डर कर दिया है। तैयार है क्या? नहीं। अरे वाह, ठीक है। अब ये देखिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी। सुषमा बोल रही है कि ग्रीन चटनी इज वेरी स्पाइसी। ओके, लेकिन मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत ही ऑथेंटिक देसी टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। हाँ तो दोस्तों देखिए हम लोग सनसेट पॉइंट आ गए हैं और हमारी जो मंडली है हमारे साथ जो ट्रैवल करे वो लोग यहाँ बैठे हैं। अभी उन्होंने मक्के दी रोटी उसके साथ चटनी उसका स्वाद लिया। अभी मंगाया है भजिया, वो देखिए भजिया वहाँ पर है, साथ ही चटनी भी है साथ में और उसके साथ चाय भी है। तो इस प्रकार का एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ बहुत ही कम मिलता है और मजा इसी का है, दोस्तों के साथ एंजॉय करें और साथ में घूमें। राजेंद्र गिरी उद्यान, देखो यहाँ भी हमारा गुजरात का घाघरा चोली वो सब मिल रहा है, हम जो नवरात्रि में पहनते हैं। ये है राजेंद्र गिरी उद्यान और ये है गार्डन। सो दोस्तों इस तरफ देखिए, लव बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक लव का शेप बनाया है। ये जो मेहंदी बोलते हैं इसको, छोटी छोटी मतलब काट के इतना ब्यूटीफुली उन्होंने शेप दिया है। तो यहाँ पर शायद लव बर्ड्स ज्यादा आते भी होंगे, हमें नहीं मालूम है, हम भी तो लव बर्ड्स हैं, लेकिन हम तो लव बर्ड्स है ही। अरे देखो वहाँ सनसेट देखो। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फलहार नोमैड्स। जिंदगी में वक्त आता है जब हमें अपने अपनी मंजिल पर जाना पड़ता है और आज वो वक्त आ गया है और इस वक्त हम लोग सब अपने अपनी मंजिल की ओर जाने वाले हैं। मेरे लेफ्ट में खड़े हैं डॉक्टर कुमार और सुषमा कुमारी जो जाएंगे हैदराबाद, उनके बगल में खड़े हैं मिस्टर सेठी और यहाँ है मिसिस सेठी, वो लोग सोलन जाने वाले हैं और उनके बगल में खड़ी है फाल्गुनी और मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग जाएंगे गांधीनगर, हमारी गाड़ियाँ तैयार है, हम चलते हैं बाहर। दोस्तों हमारी गोल्डन ईगल भी रेडी है, शेडी साहब की फोर्स ट्रैवलर भी रेडी है और इस तरफ देखिए वाइट स्टेलियन अपना डॉक्टर कुमार और सुषमा की भी गाड़ी रेडी है, सब निकलने के लिए तैयार है और ऐसे जूम करके हम निकल जाएंगे।